हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो हम आ गए हैं आज कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। और ये पीछे रहा, ये मेरे पीछे रहा गेट, यहाँ से एंट्री हमने ली है। यहाँ एंट्री के टाइम पे आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड दिखाने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री से फिर अंदर आएंगे और अंदर की तरफ आपको बहुत सी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध जी का मंदिर है, और ये पीछे हमारे भगवान बुद्ध जी का मंदिर है, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। और अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट स्पॉट के लिए, यहाँ पे टूर करते हैं। और यहाँ के जो सिटी के जो बाहर के लोकल स्कूल्स भी हैं, उनके स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, तो उनको भी उनके बारे में बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पे सोते एक टाइम ऐसा आया कि वो वापस उठे ही नहीं, और यहीं उनकी मृत स्थली घोषित कर दी गई, यानी मतलब यहीं पे उनका डेथ अनाउंस कर दिया गया। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की सोते हुए पोजीशन में, मतलब जब वो सो रहे थे, तो उस पोजीशन पे एक स्टैचू बनाया गया है, जो कि जिसका जो लेंथ है वो 6.1 मीटर है। वो काफ़ी बड़ा लेंथ होता है, और अंदर वैसा ही एग्जैक्ट बनाया गया है जिस पोजीशन में वो लेटे हुए थे और जिस टाइम पे उनका प्राण निकला हुआ था। तो मैं आपको चल के अंदर दिखाता हूँ। तो आइए, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टैचू। काफ़ी हरा भरा यहाँ पे है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुई है, तो धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है। मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हम लोग, और चलते हैं आपको मंदिर के अंदर लेके और दिखाते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा, मतलब मूर्ति। प्रतिमा एक हिंदी वर्ड है, शुद्ध हिंदी वर्ड है। मूर्ति कैजुअल है, मूर्ति बोले तो स्टैचू, आप स्टैचू समझिए ऐसे। तो ये है कुछ मंदिर का स्ट्रक्चर जिसके अंदर भगवान बुद्ध की स्टैचू है। तो चलिए आपको स्टैचू दिखाता हूँ। किसी लोकल स्कूल के लोग, स्टूडेंट्स हैं जो, और फैकल्टी जिनको टूर पे लेके आए हैं। अमूमन रोज़ किसी न किसी स्कूल के लोग यहाँ पे टूर पे आते ही हैं। तो देखिए सर, इस कुछ मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, इस मंदिर की ऐतिहासिकता, गौतम बुद्ध को आप लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। गौतम बुद्ध जी को इसी स्थान पे मान्यता है, जो ये प्राचीन भवन के खंडहर दिखाई दे रहे हैं, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। गौतम बुद्ध को इसी जगह पे महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म इसे या हिंदू धर्म में महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं। गौतम बुद्ध जी इसी जगह पे अपनी अंतिम सांस ली थी। तो ये है सामने मंदिर, इसके अंदर जाके देखेंगे भगवान बुद्ध की स्टैचू। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लगी हुई है, जो कि इस मंदिर के बारे में है। तो इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए और फिर अंदर जाने के लिए आपको स्लीपर्स इधर निकालने पड़ेंगे। इधर स्लीपर निकाल के अंदर जाएंगे, तो मैं भी स्लीपर निकाल देता हूँ और अंदर चलते हैं। तो ये आगे हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे। ये है भगवान बुद्ध का स्टैचू, और यहाँ पे देख लीजिए आप, इसकी लेंथ देख लीजिए, और यहाँ पे मॉन्क्स भी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, तब काफ़ी बड़ा स्टैचू है, और यहाँ पे लोग अपनी खुशी से लोग चढ़ाते भी हैं कुछ भी। यहाँ पे मॉन्क्स लोग बैठे हुए हैं। जल्दी से मैं आपको एक क्विक व्यू दिखा दिया, अब बाहर चलते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर भी देख सकते हैं और मंदिर के बाहर से भी जा सकते हैं, एक राउंड पिक राउंड ले सकते हैं। और ये आर्किटेक्चर है मंदिर का, काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ से पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, वो भी और खूबसूरत दिख रहा है। बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो क्लीन करेंगे ये लोग। बाकी तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है। तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर आपको कभी मौका मिले, तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सुने, समझे, जाने। तो अंदर हमने स्टैचू देख लिया, आप चलते हैं दूसरे तरफ, आपको दिखाता हूँ और भी क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो मेरे सामने दिख रहा है एक बहुत बड़ा घंटा, मैं आपको पास से दिखाता हूँ चल के कि क्या है वो, किस लिए लगा गया है मुझे ये नहीं पता, लेकिन सामने है तो दिखा देता हूँ आपको। फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग यहाँ। ये है
घंटा, मुझे नहीं पता किस लिए बनाया ये, और शायद ही कोई एक आदमी इसको बजा पाए। अंदर स्टैचू देखने के बाद आप लोग इधर से निकलेंगे, और इधर निकलने के बाद आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। ये अंदर मार्केट भी लगा है, आप लोग कुछ लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टैचू देखने के बाद जब आप निकलेंगे बाहर, तो गेट के अंदर ही, आउट गेट के अंदर ही आपको मिलेगा ये बर्मीज टेंपल, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पूरा गोल्डन कलर का इसको पेंट किया गया है। मैं अंदर इसकी जाके दिखाता हूँ आपको क्या है अंदर। अंदर जाने से पहले शूज़ निकाल लें यहाँ पर, शूज़ निकालने के बाद ही अंदर अलाउ करेंगे लोग, और अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है अंदर। तो इसके अंदर अलाउ नहीं है जाना, मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए बाहर से। और मैं जल्दी से आप लोगों को एक क्विक राउंड इधर दिखा देता हूँ। और अलग अलग लोगों की स्टैचूज़ यहाँ पे बनाई गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। सबके नेम्स भी लगाए गए हैं यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है मैं सबके नेम्स दिखाऊँ, लेकिन मैं एक राउंड दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। और यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, तो देख लीजिए आप लोग, सबके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। और ये खूबसूरत सा गेट, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर से गेट देख लीजिए आप लोग। बर्मीज टेंपल का गेट है ये, वहाँ पे लिखा है कृपया अंदर जाना मना है, तो अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक बुद्ध सरोवर भी है, जहाँ पे आप लोग छोटा मोटा बोटिंग कर सकते हैं, जैसे कि लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बोटिंग करना हो तो वहाँ से टिकट लीजिए, बोटिंग करिए, मस्त एंजॉय करिए, और फिर बाहर निकल जाइए। ये है एक चाइनीज़ टेंपल, जो कि जस्ट बुद्ध टेंपल के बाजू में है। तो इसके अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या है। ये है गेट एंट्रेंस, अंदर नहीं खोलना है, और इसके अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर क्या है। अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत बनाया है लोगों ने, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है अंदर से, आर्किटेक्चर भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। इधर बैठने के लिए भी है, अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन धूप में कौन बैठेगा, इतना धूप है आज कि हालत ख़राब हो जा रही है। अब देखिए, तो ये है चाइनीज़ मंदिर के अंदर, कुछ ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ, पूरा गोल्डन कलर से कलर किया गया है, गोल्ड है ये, यह गोल्डन कलर से किया गया है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड रहता तो यहाँ सिक्योरिटी होती, गोल्ड नहीं है ये। देखिए आप लोग चाइनीज़ टेंपल, कुंग फू पांडा, चेहरे से तो चाइनीज ही लग रहे हैं। अंदर दर्शन करने के बाद आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे भी बनाया गया है, बहुत फेमस है ये, इनको तो जानते ही होंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में नाम बताइए इनके, इनको कौन नहीं जानता है। और अंदर है ये कुछ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ वापस से, और अब को जूम करके दिखाता हूँ, छोटी छोटी स्टैचूज भी हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। भाई क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन छोटे छोटे स्टैचूज हैं,
उसमें पीछे कितने भी बॉक्सेज हैं, बॉक्स के अंदर देखिए मजे करिए। तो हम लोग ने चाइनीज़ टेंपल में दर्शन करके इधर आ गए हैं और आप देख सकते हैं इधर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। पार्क भी छोटा सा है यहाँ पे, सामने देखिए आप लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये जस्ट चाइनीज़ टेंपल के राइट में है, इसके दोनों का एंट्रेंस सेम ही है, मतलब अगर आप चाइनीज़ टेंपल में आएंगे तो जस्ट उसके बाजू में उसी गेट से उसके बाजू में ये है चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आइए देखिए एंजॉय करिए, इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो इसके आगे नहीं जा सकते। मैं यहीं से दिखा देता हूँ आप सबको, ये था चाइनीज़ मंदिर। तो चलिए चलते हैं अब। तो ये था कंप्लीट कुशीनगर टूर, जहाँ पे हम लोग बुद्ध भगवान के मंदिर गए और फिर चाइनीज़ टेंपल आए। तो होप आपको मज़ा आया होगा, आप टूर एंजॉय किए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।